भारत को आखिरी ओवर में 16 रन की जरूरत होती है। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या और विराट कोहली मैदान पर मौजूद होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आखिरी ओवर लेके आते हैं मोहम्मद नवाज। और यकीन मानिए दोस्तों, इस ओवर में जो होना चाहिए था वो हुआ। यकीन मानिए, ऐसा आखिरी ओवर आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा, और खासकर इंडिया पाकिस्तान का ऐसा मुकाबला तो बिल्कुल नहीं देखा होगा। अंतिम गेंद तक सभी की सांसें थमी रहती है कि आखिरकार मुकाबला किस तरफ जाएगा। नवाज ओवर की पहली गेंद लेके आते हैं, लेकिन खतरनाक हार्दिक पांड्या पहले ही गेंद पर आउट हो जाते हैं। और अब यहां से भारत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि 5 बॉल में अब 16 रन की जरूरत होती है। नए आए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक पहली गेंद पर 1 रन लेने में कामयाब रहते हैं, और अब यहां से 4 बॉल में 15 रन की जरूरत होती है। ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली बड़ा शॉट तो नहीं खेल पाते, लेकिन केवल 2 रन ही आ पाता है। और अब यहां से आखिरी 3 गेंद पर 13 रन की जरूरत होती है, लेकिन ओवर की चौथी गेंद फुल टॉस होती है और 9 बॉल भी करार दी जाती है, और इस पर लंबा छक्का जड़ने में कामयाब रहते हैं विराट कोहली। यानी इस गेंद पर 7 रन आ चुका था और ये गेंद फ्री हिट भी थी, यानी अभी भी मुकाबला बिल्कुल भारत की तरफ बना हुआ था, क्योंकि अब 3 बॉल में 7 रन की जरूरत होती है। अगली नवाज गेंद वाइड करा देते हैं, और अब यहां से भारत को जीत के लिए 3 बॉल में 6 रन की जरूरत होती है। अगली गेंद भी फ्री हिट होती है, क्योंकि ये वाइड होती है दोस्तों, और अगली गेंद बोल्ड कर देते हैं नवाज विराट कोहली को, लेकिन विकेट में बॉल लगने के बाद दूर चली जाती है गेंद, और 3 रन इंपॉर्टेंट 3 रन बटोरने में कामयाब रहते हैं, आउट नहीं होते हैं विराट कोहली। और अब आखिरी के 2 बॉल पर 2 रन की जरूरत होती है, दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पर मौजूद रहते हैं लेकिन स्टंप आउट हो जाते हैं दोस्तों। और अब यहां से आखिरी गेंद पर मुकाबला चले जाता है, जहां 2 रन की जरूरत होती है। मुकाबला किधर भी पलट सकता था, भारत की तरफ भी, पाकिस्तान की तरफ भी, और सुपर ओवर भी हो सकता था, लेकिन नवाज डाल देते हैं वाइड और अब मुकाबला टाई हो जाता है और केवल 1 रन की जरूरत होती है। नए आए बल्लेबाज अश्विन शॉट खेलते हैं और 1 रन बटोरने के साथ ही भारत यह मुकाबला जीत जाता है।